थे कि लोग मुझे कोलकाता की शेरनी कहते हैं, और मुझे जो सपोर्ट करने आ रहे हैं वो है दो शेर, एक है कोलकाता की शेर और एक है असम की शेर। अब जानना चाहते हैं वो कौन है, तो देख लीजिए। आदत पड़ गई है श्रेयसी की आवाज को सुनने की इतनी ज्यादा, तो जब किसी गाने में श्रेयसी की आवाज कम मिलती है ना सुनने में अगर, तो ऐसा लगता है कि क्या सुन रहे हैं। लेकिन खैर, हौसला अफजाई के लिए, श्रेयसी के लिए आप जैसे दो महान कलाकार यहाँ पे आए हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन परफॉर्मेंस वॉज क्वाइट गुड, थैंक यू। आपको मालूम है जॉय भैया असम के नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर में से एक है। जॉय भैया, आपने चैलेंज 2007 के बाद आपने स्टेट का नाम रोशन करने का मौका मिला है, हाँ। तो
क्या रणनीति होगी आपकी? जरूर अच्छी होगी, क्योंकि उस हिसाब से प्रिपेयर होके आए हैं कि अभी कुछ करना है आसाम के लिए और पूरे देश के लिए। सो जरूर अच्छा करेंगे। अगर ऊपर वाले ने चाह, भगवान ने चाह, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया तो जरूर अच्छा करेंगे। अभिजीत, अलका दीदी, आपको मालूम है अभिजीत भैया सारे के पापा 2003 और 2004 के रोल ओवर कॉन्सेप्ट में 11 बार जीत चुके हैं और उन्होंने आने वाली फिल्म लंदन ड्रीम्स के लिए प्लेबैक भी किया है। तो अभिजीत भैया बताइए कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बिकॉज अभी के जो बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स में हैं शंकर एहसान लॉय साहब, उन लोगों ने गवाया और प्रसून जोशी जी के लिरिक्स हैं, तो बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच आप दोनों यहाँ आए और हमारी श्रेयसी का उत्साह बढ़ाया। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट श्रेयसी, थैंक यू जय भैया, ऑल द बेस्ट यू, थैंक यू, थैंक यू।